कैप्टन सरकार वालों बादल परिवार को बेअदबी मामले च क्लीन चिट देण दे मुद्दे नूं लैके पंजाबी एकता पार्टी दे मुखी सुखकाल सिंह खैरा वालों अज जलंधर च प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रैस कॉन्फ्रेंस कर खैरा ने कांग्रेस के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जम के घेरिया। खैरा ने कहा कि बरगाड़ी ते बहवल कलां गोलीकांड नूं लैके कोई भी सख्त फैसला नहीं लिया गया। ढाई साल च कांग्रेस सरकार लोगों नूं इंसाफ नहीं दवा सकी। देखो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहुंदा कि ढाई साल हो गए ने बरगाड़ी के उत्ते, अज तक इंसाफ नहीं दिता। उल्टा कैप्टन साहब ने अज एक बड़ी वड्डी इंटरव्यू दी जी, क्या कि बादलों का कोई कसूर नहीं, क्लीन चिट देती। भावें कि दो घंटे बाद उन्होंने अपनी वो गलती सुधार की आ, पर ढाई साल का समा काफ़ी आ ये दसन वास्ते कि असल गुनाहगार चाहे वह पोलीटिकल सके आदमी तो चाहे वह पुलिस वाले से ताकतवर, उन्होंने कोई एक्शन नहीं होया। तो करके ये पंजाब के लोगों के मन में बहुत गिला है इस गल का। और विधानसभा भी 8 घंटे बहस हुई, जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन हूँ SIT, बट नथिंग आउट ऑफ इट। और जो छोटे मोटे मुलाजमान के खिलाफ कार्रवाई हुई वो सारे जमानत करा गए हैं, सारे हाईकोर्ट तो रिलीफ लै गए, कैप्टन साहब उत्ते भी फेल हो गए हैं। इन्हां सारियां गल्लां नूं मद्देनज़र रखते 14 अक्तूबर बहबल कलां के जिहड़े दो सिख नौजवान मरे से उन्होंने बरसी है। असीं यही अपील करांगे लोगों, असीं मोटीवेट करांगे सब नूं, कोशिश करांगे कि आओ इकट्ठे होकर आपां एक बार फिर बरसी ते इकट्ठ करिए और उस दिन नूं रोस दिवस वजों मनाया जाए। क्योंकि जिथे जे सूबे विच गुरु ग्रंथ साहब का निरादर होवे, जे सूबे दे विच गुरु ग्रंथ साहब की प्रेस्टीज ते प्राइड अपहोल्ड नहीं की जा सकती। बाकी सारिया गल्लां छोटियां बेमायने ने कि फलाना जी गली नहीं बन रही, फलाने बंदे ते झूठा परचा दर्ज हो गया, फलाना और जुल्म हो गया, दे आर ऑल मीनिंगलैस। सो बरगाड़ी ते इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुढ़ली जिम्मेवारी भी है बतौर चीफ मिनिस्टर, तो वड्डा वायदा भी सी।